फ्रेंड स्वागत है तमारू। आज आप धोरण आठ अंग्रेजी ज्ञान सेतु में पाठ त्रण हाउ मेनी ए कम्प्लीट करीशू एनी चर्चा करीशू। तो चलो शुरू करिए। तो हवे हाउ मेनी लेसन में फर्स्ट एक्टिविटी है रीड द पैसेज, नीचे नो फकरो वाँचो समझो अने तेना आधारित प्रवृत्ति करो। तो सौथी पहला तो आपणे फकराने वाँची लईए अने एने समझी लईए छे। ए बॉय वॉज सीटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। एक छोकरो एनी टेबल पासे बारीनी पासे बैठो हतो। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। ए पोतानुं होमवर्क गृहकार्य पूरु करी रह्यो हतो। हिज मधर आस्क्ड। एनी माताए पूछ्यु डीड यू टेक योर ब्रेकफास्ट। तू तारो नास्तो लईश। द बॉय सेड नो। छोकराए कीधु नहीं। मदर कॉल्ड हिम एंड सर्व्ड हिज ब्रेकफास्ट। एनी माताए एने कीधु अने एने सवारनो नास्तो आपी दीधो। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज ब्रेकफास्ट। एनो नास्तो शुरू करवानो ज हतो। देन ए बेगर केम टू द डोर। त्यारे ज एक भिखारी ए दरवाजे आव्यो। ही सेड प्लीज गीव मी समथिंग टू ईट। भिखारीए कीधु प्लीज मने थोड़ूक जमवा आपो। द बॉय लुकड एट द बेगर। छोकराए भिखारी सामे जोयु। ही लुकड रियली वेरी पुअर एंड हंग्री। ए भिखारी रियल में हकीकत में खूब ज गरीब अने भूख्यो लागी रह्यो हतो। ही गेव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर। एने पोतानो ब्रेकफास्ट एटले सवारनो नास्तो ए भिखारी ने आपी दीधो। द बेगर वॉज वेरी हैप्पी। ए भिखारी खूब ज खुश थयो। द बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाषचंद्र बोस। ए छोकरो पाछळथी नेताजी सुभाषचंद्र बोस तरीके ओळखायो। तो हवे दोस्तों ऊपरना फकरा ऊपर आधारित आ नीचेना अमुक वाक्यो छे जेमने स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस करवाना छे। एटले के जे साचा शब्द छे ए वाक्यनी साथे जोड़ीने वाक्य फरीथी लखवानुं छे। तो पहलो वाक्य छे ए बॉय वॉज स्टेन्डिंग अथवा सीटिंग एट हिज टेबल। तो आपणे ऊपरनो पेरेग्राफ वाँची लीधो छे एनी अंदर लख्युं हतुं ए बॉय वॉज सीटिंग एट हिज टेबल। एटले के स्टेन्डिंग ऊपर आपणे क्रॉस करी देवानुं छे। बीजो सेंटेन्स छे हिज मधर गेव हिम ब्रेकफास्ट। एनो मतलब ए छे के लंच ऊपर क्रॉस करी देवानुं छे। ए पुअर अथवा रिच मैन केम टू द डोर। ए पुअर मैन केम टू द डोर एटले के अहीं रिच मैन ऊपर क्रॉस करी देवानुं छे। तो दोस्तों आ बधा वाक्यों जे जवाबो छे ने ऊपरना फकरा ऊपरथी ज लखवाना छे ए याद राखजो। चौथु वाक्य छे द बेगर वॉज सेड कनेक्टेड। तो द बेगर वॉज कॉन्टेन्टेड एटले आमा सेड ऊपर क्रॉस करी देवानुं छे। पांचमो छे प्रश्न द बॉय वॉज देन पब्लिक लेटर नोन एज नेताजी। तो आमा आवशे द बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी। आमा देन ऊपर क्रॉस करी देवानुं छे। पछी सिलेक्ट द राइट आंसर। आमा फर्स्ट क्वेश्चन छे वेर वॉज द बॉय सीटिंग। आनो साचो जवाब आवशे नियर द विंडो। सेकेंड हू सर द ब्रेकफास्ट। तो हिज मधर सर द ब्रेकफास्ट। थर्ड क्वेश्चन छे हू आस्क फॉर फूड। तो हर हिज मधर आस्क फॉर फूड एटले आमा बी ऑप्शन मधर आपशे। હવે ચોથો ક્વેશ્ચન છે હુ ગેવ ફૂડ ટુ ધ બેગર. સાચો જવાબ આપશે બી નેતાજી. સાઇનોનિમ ઓફ સમાનાર્થી લખો પુઅરનું તો એમાં આવશે બેગરલી. હવે એક્ટિવિટી ટુ છે રીડ ધ એક્ઝામ્પલ એન્ડ મેક ક્વેશ્ચન. અને આ ક્વેશ્ચન હુ વોટ વેન અને વેરથી બનાવવાના છે જેમાં પહેલું એક્ઝામ્પલ છે ભીમ બોટ સમ સ્મોલ લડ્ડુસ.
तो आमां भीम ऊपर टिक करेलू छे एटले के हू थी क्वेश्चन बनशे हू बॉट सम स्मॉल लड्डूज। हवे फर्स्ट क्वेश्चन छे शिवा रोडे बाइसिकल इनू क्वेश्चन बनावानू छे, क्वेश्चन हू थी बनावाना छे एटले क्वेश्चन बनशे हू रोड ए बाइसिकल। बीजू क्वेश्चन छे ए बॉय गेव फूड टू द बेगर, तो एनी अंदर क्वेश्चन बनशे हू गेव फूड टू द बेगर। आगळ एक्जाम्पल छे मासा किल सेवन आंट्स, तो क्वेश्चन वॉट डीड मासा किल, एटले आ एक्टिविटीमां वॉट थी प्रश्नो बनावाना छे। द बेयर शो द डी डेड आंट्स, क्वेश्चन वॉट थी बनावानो छे कि वॉट डीड द बेयर सी। सेकेंड भीम लाइक्ड लड्डूस, तो आमां लाइक्ड एटले लाइक अने डीड क्रियापद ए जॉइंट छे, एटले ज्यारे क्वेश्चन बनशे ने त्यारे डीडनो उपयोग आवशे, तो लाइक्डनी जग्याए आपणे लाइक लखीशुं। वॉट थी क्वेश्चन बनावानुं छे એટલે બનશે વોટ ડીડ ભીમ લાઇકડ। આગળનો એક્ઝામ્પલ છે ગોપાલ પુટ જલેબીઝ ઇન એ ડીશ, તો અહીંયા વેરથી ક્વેશ્ચન બનાવવાના છે, એટલે અહીંયા વેરથી ક્વેશ્ચન બનશે વેર ડીડ ગોપાલ પુટ જલેબીઝ। હવે ફર્સ્ટ પ્રશ્ન છે મીના વેન્ટ ટુ જૂનાગઢ, તો અહીંયા ક્વેશ્ચન વેરથી બનાવવાનું છે એટલે બનશે વેર ડીડ મીના। એવી રીતે બીજો પ્રશ્ન છે એ બોય હાઈડ બિહાઇન્ડ ધ ટ્રી, વેરથી ક્વેશ્ચન બનાવવાનું છે, તો વેર ડીડ એ બોય હાઈડ। આગળ એક્ઝામ્પલ છે મીના વેન્ટ ટુ જૂનાગઢ લાસ્ટ સન્ડે, તો અહીંયા વેન્ટથી પ્રશ્નો બનાવવાના છે એટલા માટે અહીંયા પ્રશ્ન બનશે વેન ડીડ મીના ગો ટુ જૂનાગઢ। હવે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મોટું સેલિબ્રેટેડ હિઝ બર્થડે લાસ્ટ નાઇટ, વેનથી પ્રશ્ન બનાવવાનું છે એટલે અહીંયા બનશે વેન ડીડ મોટું સેલિબ્રેટ હિઝ બર્થડે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ગટ્ટુ એટ જલેબીઝ ઓન થર્સડે, તો આનો જવાબ આવી રીતે આવશે વેન ડીડ ગટ્ટુ ઈટ જલેબીઝ। હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પ્રશ્ન વાક્ય પૂર્ણ કરો, તો અહીંયા હુ વોટ વેર વેનથી પ્રશ્નો પૂરા કરવાના છે, તો ચાલો ફર્સ્ટ ખાલી જગ્યામાં આવશે હુ ઇઝ યોર ક્લાસ ટીચર, સેકન્ડમાં વોટ ડુ યુ ઇટ ઇન મિડ ડે મીલ, થર્ડમાં વેર ડુ યુ સીટ ઇન ધ સ્કૂલ, ફોર્થમાં વેન ડુ યુ ગો ટુ સ્કૂલ, પાંચમામાં વોટ ડુ યુ ઇટ બ્રેકફાસ્ટ, છઠ્ઠામાં વોટ ડીડ યુ ઇટ યસ્ટરડે, સાતમામાં હુ ઇઝ યોર પ્રિન્સિપલ, આઠમામાં વેર ડીડ યુ ગો લાસ્ટ નાઇટ આવશે। તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। થેન્ક યુ।